हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर ब्लाउज में। तो चलिए शुरू करते हैं। ढाई इंच गले की चौड़ाई है और 9.5 इंच गले की लंबाई लेनी है और ऐसे हमें स्क्वायर बनाना है और फिर कान पान गले का शेप देना है। ज़्यादा कर्व न लेते हुए सीधा पान गले का शेप देना है हमें, क्योंकि हम इस पर पट्टी लगाने वाले हैं तो हमें ज़्यादा कर्व नहीं लेना है और ऐसे पान गला बना देना है और फिर उसे कट कर देना है। अब हम कैनवास पर पान बनाएंगे, जो छोटे पान हमें लगाने हैं वो बनाएंगे। 3 इंच लंबाई लेनी है और 1 इंच ऐसे चौड़ा लेते हुए हम पान गले का शेप पान का शेप देंगे। ये देखिए, इसे ऐसे हमें पान बनाना है, छोटे छोटे 3 पान बनाने हैं ऐसे सेम। ऐसे हम पान बना देंगे। अब ये 1.5 इंच की पट्टी ली है, जो भी हमारा कंट्रास्ट कलर है वो हमें पट्टी लेनी है 1.5 इंच की और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए उसे ऐसे सिलना है। फिर इसे सुई धागे की मदद से पलटी कर देना है। अब जो हमारा बैक पार्ट है वो तैयार करेंगे, जो मेन फैब्रिक पर अस्तर रख के ऐसे पलटी करके पलटी उल्टे साइड से हमें सिलना है और फिर कट करके पलटी कर देना है और अंदर से हमें ऐसे कट्स मारने हैं। ये देखिए, ऐसे हमें अंदर से कट्स मारने हैं और फिर हमारा गला पलटी कर देना है और पलटी करके सामने के साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। इसे पलटी करके हम ऊपर से एक सिलाई मारेंगे। ऊपर के साइड से हमें अच्छे से सिलाई लगानी है। ये हमारा बैक पार्ट गला तैयार है। अब जो हमने पान कटिंग किए थे वो हम प्रेस करेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक का कलर है उसी कपड़े पे हम प्रेस करेंगे। प्लेन कपड़ा लिया है मैंने और जो हमने पट्टी बनाई थी उसे भी हम ऐसे प्रेस करके प्लेन बना देंगे। अब हम ये पान को अंदर के साइड से छोटे पान के आकार में ऐसे लेस लगाएंगे। अंदर के साइड से हमें लेस लगानी है और जैसे छोटे पान का आकार लेते हुए इस तरीके से हमें ऐसे अंदर के साइड से लेस लगा देनी है। तीनों पान को हम ऐसे ही करेंगे। अब हमने जो पट्टी तैयार की थी वो हम बैक पार्ट पर लगाएंगे, जो हमारा मेन पान गला है उस पर ये पट्टी लगाएंगे। ऐसे जो हमारा कॉर्नर है उस पर एक चून डाल ली है और ऐसे करते हुए हमें पूरे गले पर पट्टी लगा देनी है। दोनों साइड से सिलाई मारनी है हमें और पूरे गले पर पट्टी लगाते जाना है। अब 1 इंच बीच में छोड़ते हुए दूसरी बार भी पट्टी लगाएंगे, नीचे से कम करते जाएंगे। ऊपर से ज़्यादा और नीचे से कम करते करते हमें ऐसे पट्टी लगा देनी है। अगर ना जमे तो आप मार्किंग भी कर सकती है, मार्किंग से जल्दी अच्छे से आपको पट्टी लगा सकते हैं। नीचे से कम लेते हुए ऊपर से 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें ये पट्टी लगानी है दूसरी। वैसे ही करते हुए हमें तीसरी भी पट्टी लगानी है। ये देखिए, हमने 3 पट्टियाँ लगा दी है। अब जो हमने पान तैयार किए थे वो पान हम ऐसे ही लगाएंगे, जो हमारा सेंटर है वहाँ सेंटर पे पहले हम एक पान लगाएंगे और फिर दोनों तरफ से 2 पान। ये देखिए, इस तरीके से हमें दोनों तरफ से 2 पान लगा देने हैं। फिर इसके साइड से भी हम पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, अभी ये हमारे 3 पान लग चुके हैं।
अब हम साइड से पट्टी घुमाएंगे। इस तरीके से हमें ये पट्टी लगा देनी है जो हमने गले के लिए यूज़ की है, वही पट्टी इस पर भी यूज़ करेंगे। ऐसे राउंड में हमें बराबर से पट्टी लगा देनी है। देखिए ऐसे बीच में से हमें चुन लेते हुए दूसरे पान की तरफ भी ऐसे हमें पूरी पट्टी लगा दी है हमारा, और सेंटर में हमें एक बटन लगा देना। ये हमारा ब्लाउज रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करें इसे, बहुत सुंदर ब्लाउज डिज़ाइन है और सबसे अलग भी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।